नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। जंगल सीमा में सड़क बनाकर किया जा रहा है बनास नदी से रेत का कारोबार। परसीली में रेत भंडारित कर हाईवे वाहनों से की जाती है सप्लाई। समीपी जिला शहडोल में पिछले माह रेत माफिया द्वारा की गई पटवारी की हत्या, नहीं लिया गया सबक। आपको बता दें, सीधी जिला के समीप जिला शहडोल के तहसील व्यवहारी अंतर्गत रेत माफियाओं का दहशत सुर्खियों में रहा है, जहां पिछले बार रेत माफिया द्वारा एक पटवारी की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब तक सीधी जिला के मझौली तहसील के अंतर्गत भी उसी तर्ज पर रेत माफिया अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वह वन सीमा में लगभग 3 किलोमीटर जेसीबी मशीन से सड़क बनाकर बनास नदी से रेत का काला कारोबार किया जा रहा है, जिससे वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जब मीडिया द्वारा मामले की तहकीकात की गई तो पाया गया कि वन परिक्षेत्र मझौली के बीट चमराडोल अंतर्गत सीधी शहडोल में रोड बनास नदी में बनी पुल के पूर्व साइड नदी के उत्तरी सीमा में लगभग 400 मीटर लंबाई, 20 मीटर चौड़ाई एवं 1 मीटर गहराई का रेत उत्खनन और परिवहन किया जा चुका है। मौके स्थल पर बड़े बड़े वाहनों के पहिए के निशान रेत और मिट्टी में देखे गए, जिससे साबित होता है कि कई जेसीबी मशीनों से रेत उत्खनन कर बड़े बड़े वाहनों से परिवहन किया जाता है, जिनमें कुछ वाहन से डायरेक्ट सप्लाई की जाती है, जबकि काफी मात्रा में गांव परिसीली में रेत भंडारित की जाती है, जहां से दिन दहाड़े बड़े बड़े हाईवे वाहनों में जेसीबी मशीन से लोडिंग कर फर्जी कागजात के आधार पर सप्लाई की जाती है। सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा समय रहते दी गई थी जानकारी। मामले को लेकर सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि यह बात सही है कि वन सीमा से सड़क बनाकर रेत का कारोबार किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा लिखित और मौखिक जानकारी परिक्षेत्र कार्यालय मझौली को कई बार दी जा चुकी है। जबकि वन रक्षक बीट चमराडोल रमेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि जंगल सीमा में सड़क बनाकर रेत का कारोबार किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा जेसीबी मशीन से एक दो जगह बनी सड़क में गड्ढा खुदाई कराया गया है। आपको बता दें, 8 जनवरी को मझौली तहसील के अंतर्गत खनिज विभाग के टीम का दौरा हुआ था, लेकिन इतने बड़े उत्खनन और परिवहन मामले में ना तो कोई संज्ञान लिया गया और ना ही जांच कार्रवाई की गई। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि खनिज विभाग का दौरा औपचारिकता में सिमट गया। रात में काफी तेज रफ्तार में लोड छोटे बड़े वाहन निकलते हैं, जिससे बड़ा खतरा बना रहता है कि कब किसका एक्सीडेंट हो जाए। वाहनों की आवाज से रात में नींद नहीं आती, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। आपको बता दें, इस मामले को लेकर ग्रामीण लोगों का कहना है कि मेरा खेत बनास नदी के किनारे है, यहाँ से काफी मात्रा में छोटे बड़े वाहनों से रेत का उत्खनन और परिवहन किया जाता है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। रेत वैध रूप से सप्लाई होता है अथवा अवैध रूप से, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन रेत वाहनों की स्पीड बहुत रहती है, जिससे खतरा बना रहता है और ग्रामीण को भी महंगे दाम पर रेत दी जाती है। जंगल सीमा में सड़क बनाई गई है और बनास नदी से रेत का कारोबार किया जा रहा है। आपको बता दें, रमेश कुमार विश्वकर्मा वन रक्षक बीट चमराडोल से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वन सीमा में सड़क बनाई गई है और बनास नदी से रेत का कारोबार हो रहा है, जिसको लेकर मेरे द्वारा कई बार रेंज कार्यालय मझौली में मौखिक एवं लिखित सूचना दी जा चुकी है। जीएन सिंह सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा कहा गया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। पता करने पर जानकारी मिली कि कुछ दिनों तक रेत निकासी हुई है, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। आप फोटो विजुअल भेजिए, तभी तहकीकात की जाएगी। आगे आप वीडियो में देख पाएंगे कि रमेश कुमार वर्मा वन रक्षक से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। सड़क बनाई हुई है, रेत का कारोबार हो रहा है। हमारी जानकारी थोड़ी है कि रेत का कारोबार हो रहा है। 3 किलोमीटर सड़क मैंने बन गई, अब बराबर उसको देखा जाए। डेली मतलब शिकायत मिली थी तो हम उसको खनवा दिए। क्या शुभ नाम बताया आपने अपना? रमेश कुमार विश्वकर्मा। किस पद पर हैं आप? हम बंद अच्छा बीट। ऐसे ही खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।